हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतराज फूड जोन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ड्रमस्टिक करी की रेसिपी। ड्रमस्टिक खाने के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इस सीजन में ये आपको बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल भी होता है, तो इसे अपने घर में जरूर बनाइए। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें प्याज लहसुन कुछ भी यूज नहीं किया है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ड्रमस्टिक करी की रेसिपी। ड्रमस्टिक करी बनाने के लिए हमें चाहिए ड्रमस्टिक, इसे मैंने अच्छे से छील कर काट लिया है। इसके बाद हमें चाहिए एक मीडियम साइज का आलू, बैंगन एक मीडियम साइज का और ग्रीन चिलीज। इन सभी को मैंने काट कर अच्छे से धो लिया है। मैं इसमें यूज करूंगी उड़द दाल बड़ी का। अगर आप चाहे तो बेसन की पकौड़ी बनाकर भी इसमें यूज कर सकते हैं। मसालों में हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर, एक सूखी मिर्च, 5 फोरन यानी कि 5 होल स्पाइस मिक्स और रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट एंड शुगर एज पर यू टेस्ट। और करी बनाने के लिए हमें चाहिए वाटर। सबसे पहले हमें कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुकी है। इसके बाद सबसे पहले हम उड़द दाल की बड़ी को अच्छे से इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये ओवर फ्राई ना हो जाए। इसे कॉन्स्टेंटली चलाते रहें। बड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। अब रिमेनिंग ऑयल में हम डाल देंगे हमारे खड़े मसाले। ये चटकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे आलू और बैंगन। हम सबसे पहले इसमें आलू को ऐड करेंगे, जिससे कि जो इसका वाटर है वो ड्राई आउट हो जाएगा। अगर आप जब भी कोई डिश बनाते हैं जिसमें आलू यूज हो रहा हो, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको आलू को सबसे पहले ऐड करना है, जिससे कि ये बहुत जल्दी अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं इसमें क्विकली ऐड कर दूंगी बैंगन। इसे हमें सॉटे कर लेना है। ध्यान रहे कि इसे बहुत ही हल्के हाथों से चलाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बहुत ही लाइटली इसे बस टर्न कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से। अब इसमें ऐड करेंगे ड्रमस्टिक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, स्वादानुसार नमक और उसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। इसे अच्छे से बहुत ही लाइट हैंडेडली मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे वेजीज बहुत अच्छे से सॉटे हो चुके हैं और आलू भी 80% सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एट लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। वाटर आप अपने हिसाब से डालें। अगर आपको थोड़ी सी थिक करी चाहिए तो आप इसमें कम वाटर डालें। बस ये ध्यान रहे आपको इसमें इनफ वाटर डालना है, क्योंकि जब आप इसको सिमर करेंगे और जो वेजीज है वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, जिस वजह से आपकी जो करी है वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और थोड़ा सा बॉयल होने दूंगी।
मैंने 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से बॉयल किया, उसके बाद मैंने इसका लिड हटा दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ड्रमस्टिक करी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्राई किए हुए बड़ी। मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे नहीं भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। सो फाइनली तैयार है हमारी यम्मी जूसी ड्रमस्टिक करी। इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यूं ही आपके लिए अंतरा फूड जोन में इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेके आती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।